कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती के विवादित बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि सत्ती ने जो बयान बद्दी में दिया है वह निंदनीय है। यहां तक कि हमारा ये मानना है कि जब से प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती विधानसभा चुनाव हारे हैं, तब से वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी सत्ती का विरोध करेगी, जहां लोकतांत्रिक तरीके से रोष प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इससे पता चलता है कि वह किस तरह की विचारधारा का नेतृत्व करते हैं। उन्होंने कहा कि सत्ती ने धार्मिक संस्था से जुड़े श्रद्धालुओं की आस्था को लेकर भी मजाक किया है। एक सोची समझी चाल के तहत ये घटनाक्रम किया गया है। उन्होंने कहा कि धार्मिक संस्था किसी से कुछ लेता नहीं है। वह नशे से ग्रस्त लोगों को बाहर निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सत्ती के बयान से आज हर कोई आहत हुआ है। उन्होंने कहा कि चौकीदार चोर की भाषा किसी भी तरह से अमर्यादित भाषा नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में जिस तरह की गंदगी का परिचय सत्ती ने किया है, उस तरह की टिप्पणियां तो हमारे ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता भी नहीं करते। भाजपा अपने आदर्शों के चलते जीती। जहां सुखराम नहीं थे, वहां भी भाजपा ने जीत दर्ज की है। ये सुखराम का भ्रम है जो 23 मई को टूट जाएगा। ये बात सांसद शांता कुमार ने पालमपुर में कही। उन्होंने कहा कि सुखराम का बेटा मंत्रिमंडल से गया, विधानसभा की सीट से जाएगा और उनका पौत्र भी बुरी तरह हारेगा। शांता कुमार ने कहा कि 5 बार दल बदल कर उन्होंने मेरे हिमाचल को बदनाम कर दिया है, जनता उनको सजा देगी। शांता कुमार ने कहा कि देश की राजनीति का अवमूल्यन मेरे लिए चिंता का विषय है। चुनावों में मुख्य मुद्दों पर बहस नहीं हो रही, गौण मुद्दों पर बात की जा रही है। राजनीति में शालीनता पवित्रता समाप्त हो रही है। कुछ नेता इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उस भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांगड़ा चंबा धौलाधार में बहुत संभावनाएं हैं। सरकार ने पर्यटन नीति में बहुत कुछ परिवर्तन किया है। उन्होंने कहा कि आलू उत्पादकों के लिए यहाँ विजन होता है, वहाँ इन्वेस्टर आता है। रोपवे को लेकर MOU हुए पर सिरे नहीं चढ़ सके, पूरे देश के उद्योगपति खुश हैं। जैसे ही परियोजना पूरी होगी तो साल तक कुछ नहीं होगा। पहले ऐसे विजन ऐसी सुविधाएं नहीं होती थी। सीमेंट उद्योग में इसलिए नहीं आए क्योंकि सिकरीधार तक सड़कें नहीं है और अब सरकार ने बनानी शुरू कर दी हैं। कांगड़ा चंबा लोकसभा संसदीय क्षेत्र के जनरल हाउस धर्मशाला में संपन्न हुआ। इस जनरल हाउस में कांग्रेस की रैली में पूरी तरह से जोश दिखा। धर्मशाला मंच से एक के बाद एक सभी नेताओं ने जीत की हुंकार भरी और कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने सत्ती की अभद्र टिप्पणी पर रोष जताया। कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे अपने घरों से बाहर निकलें और कांग्रेस के मिशन के लिए जुट जाएं। अपने अपने इलाकों में कार्यकर्ता कांग्रेस को लीड दिलवाएं और इसके लिए काम करें। वहीं सभी कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पवन काजल हमारे बरात के दूल्हा हैं। ये चुनाव दो विचारधारा का चुनाव है और देश का चुनाव है। पांच साल पहले चुनाव हुआ लेकिन सांसद चंबा को भूल गए। 15 लाख जुमला साबित हो गया है। अगर इस पर मोदी जी से सवाल पूछने लगे तो ये मतलब नहीं है कि मैं देशद्रोही हूँ। पवन काजल काबिल आदमी है। सत्ती के खिलाफ FIR दर्ज की जानी चाहिए और चुनाव आयोग में शिकायत भी की जानी चाहिए। अनिल शर्मा को पार्टी से निकालकर बताओ, फिर देखो पंडित सुखराम का रौद्र रूप। यह ललकार भरी है मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आशीष शर्मा ने। ट्रंक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सम्मेलन को संबोधित करते हुए आशीष शर्मा ने भाजपा पर जमकर निशाने साधे।
आश्रय शर्मा ने कहा कि भाजपा नेता उनके पिता अनिल शर्मा को भाजपा को छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनिल शर्मा जनता द्वारा चुनकर भेजे गए हैं, वे अपना कार्यकाल पूरा होने तक सदर विधानसभा क्षेत्र की जनता की सेवा करते रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि अनिल शर्मा इस्तीफा नहीं देंगे, यदि भाजपा में दम है तो वे अनिल शर्मा को पार्टी से निकालकर बताएं, उसके बाद उन्हें पंडित सुखराम का रौद्र रूप देखने को मिल जाएगा।